हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज भी सुन रहे होंगे और बहुत सारी बुक्स भी सुन रहे होंगे, नॉवल्स वगैरह, जैसे कि जो आप लोग के काम की चीज़ें होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स पर आप लोग देख रहे होंगे अच्छे से और मुझे भी बता रहे होंगे, क्योंकि मैंने देखा कि आप लोग मुझे बहुत सारी स्टोरीज और स्पेसिफिकली एक स्टोरी है काशी, एक प्रेम कहानी या कथा, उसको लेकर आप लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हैं कि उसको सुनो सुनो, बट मैं अभी उसको नहीं सुन रही हूँ क्योंकि मैं और चीज़ों पर पहले फोकस कर रही हूँ। वो जो स्टोरी है वो काफ़ी लंबी है, अगर मैं आज से सुनना शुरू करूँगी तो मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। तो अभी ना मैं जो मेन जो मतलब जो ज़्यादा लंबी स्टोरीज नहीं है उनको पहले ज़्यादा सुन के ख़त्म कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकूँ, क्योंकि जो लंबी है वो एक बार खत्म हो गई है तो उन्हें मैं फुर्सत से कभी भी सुन सकती हूँ, और बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है उसके लिए तो कोई बात नहीं। जैसे ही मैं सुनूंगी आप लोगों के साथ उसका रिव्यू डेफिनेटली शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि भाई मुझे कैसी लगी कैसी नहीं लगी, बट आप लोग मुझे बोल रहे हो कि डेफिनेटली आपको पसंद आएगी क्योंकि वो बहुत अच्छी रोमांटिक स्टोरी है। तो अब मैं बात करूँ इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेल्फ हेल्प कैटेगरी वाली बुक्स के बारे में रिव्यू जो है वो लेके आई हूँ, या फिर ये कह लीजिए आप लोग को एक लिस्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिसमें मुझे ये जो बुक्स हैं ये कुकू एफएम ऐप पर मिली है, ठीक है। इनकी जो शॉर्ट समरी होती है ना, ये आप लोगों को ना इस ऑडियो मतलब इस ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये है, इसके लिए ना आप लोगों को पूरी बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोगों को समरी मिल गई, आप लोग उससे सीख सकते हैं, क्योंकि समरी में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही रखे जाते हैं, फालतू की चीज़ें नहीं रखी जाती हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को ना ये बुक्स मुझे डेफिनेटली रिकमेंड करनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगी अभी तक। हालांकि मैंने तीन ही सेलेक्ट की हैं, बहुत सारी हैं और ये फ्री में अवेलेबल है, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। तो आप लोगों को इसके लिए कोई मेंबरशिप वगैरह नहीं लेनी है, ये आप लोगों को फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। मैं हर ऐप से निकालूंगी ऐसी बुक्स जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। पहले तो मैं बताती हूँ आप लोगों की हेल्पफुल क्यों रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो मतलब चैनल पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, या फिर ये कह लीजिए जो व्यूअर्स हैं वो एज ग्रुप 12 से स्टार्टिंग है। तो आप लोग देखो कि 12 से स्टार्टिंग है और फिर वो 45 तक जा रही है वो एज ग्रुप, ठीक है। तो हर एज ग्रुप के लिए ना ये बुक ऐसी है कि आप लोगों को ना बहुत हेल्प करेगी आपको खुद को जानने में, अपने करियर को लेकर, या फिर फील्ड्स जहां आप जाना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाएगी बताएगी, जो कि मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको ज़रूर सुने इन समरीज को, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। और भी मैं अच्छी अच्छी ऑडियो जो बुक्स हैं उनकी समरी वाली जो भी लिंक्स होंगे वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बुक्स के नाम जो है वो पहले बता देती हूँ, आप लोग फिर गेस कर लीजिएगा वो ठीक है या नहीं है। सबसे पहली बुक है जिसका नाम है ब्रेव नॉट परफेक्ट, फेयरलेस फेल मोर एंड लिव बोल्डर, ठीक है। तो ये जो बुक्स है, ये जो बुक है ना, बेसिकली आप लोगों को ये कह लीजिए कि एक वुमेंस पर फोकस है कि किस तरीके से आप लोगों को अपनी लाइफ में जीना चाहिए, या फिर ये कह लीजिए मतलब ये जो परफेक्शन की जो डेफिनेशन हमें सिखाई जाती है ना कि भाई हम रिस्क नहीं ले सकते, लड़कों को क्या होता है कि सिखाया जाता है फेलियर अगर फेल हो भी रहे हो तो भी कोई बात नहीं ट्राई करो, बट लड़कियों के साथ क्या होता है वो तो रिस्क लेने से ही डरती है, ठीक है। तो आप लोग इस बुक को मतलब इसकी समरी को सुनोगे ना तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगी, इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग सब जाके सुनना। ऐसा नहीं है लड़कियाँ ही सुनेंगी, लड़के भी सुनेंगे, सच में बहुत अच्छी, आप लोग जाइएगा और एक बार तो ज़रूर सुनना इसको। अब जो सेकंड बुक है, बाकी जो इसकी डिटेल्स है ना वो आप लोग खुद जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अब मैं डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगी तो वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए सॉरी, बट आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे खोल के अच्छे से देख लीजिएगा। जो सेकंड बुक है उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, ठीक है। तो इसमें जो ये कह लीजिए बिजनेस वाले हैं या फिर जो काम करते हैं, ठीक है, सेलिंग के ऊपर इन्होंने बात की है बेसिकली कि किस तरीके से मतलब जो आप लोग कस्टमर को चीज़ें अच्छे से मतलब साइकोलॉजी यार आप समझो, ठीक है, आप लोग पढ़ोगे ना अच्छे समझ में आएगा कि किस तरीके से, मैं डिटेल में आप लोगों को कैसे बताऊं, मतलब आप लोग खुद समझ रहे हो कि किस तरीके से आप लोग ना कस्टमर्स को गेन कर सकते हो, उनका टेंशन आप अपनी तरफ खींच सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सिखाएगा। मैंने इसे भी कंप्लीट कर दिया है, हालांकि मैं आप लोग को ये ज़रूर बताऊंगी कि इसकी जो समरी है ना इसके एपिसोड्स ही हैं, टाइप्स चैप्टर कह लीजिए, भाग कह लीजिए, इस तरीके के हैं, एक स्टोरीज के 10 से ज़्यादा किसी के नहीं होंगे, और जो ये चैप्टर्स हैं इनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को कम मतलब 15 मिनट में आप लोग ये कह लीजिए कि ये जो एक ऑडियो बुक है उसकी समरी आप लोग ख़त्म कर दोगे, ठीक है। तो आप लोग जाके इसे ज़रूर सुन लेना। और जो थर्ड है वो है बॉर्न फॉर दिस, ठीक है, इसका तो नाम ही अलग है, आप लोग खुद सोचो कि इसमें क्या हो सकता है भाई। आप लोगों को हम लोगों को नहीं पता होता, हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कि भाई हम किस चीज़ के लिए परफेक्ट हैं, मतलब क्या करने के लिए। कई बार ऐसा होता है हम अपनी पसंद मतलब ये ऐसे बोलते हैं ना कि भाई पहला मौका है, ये अच्छी जॉब है, तुम ले लो इस जॉब को, मतलब ऐसे ना करो कि तुम दूसरी फील्ड में चल जाओ, तुम्हें अच्छा मौका मिला है तो इसे लपक लो, ऐसे बोला जाता है ना, तो वही चीज़ें हैं। बट कुछ टाइम बाद आप लोगों को फील होता है कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, मुझे दूसरी फील्ड में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आप लोगों को कैसे खुद को समझना है, जानना है, क्या करना है, ये बुक आप लोगों को गाइड करेगी, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जाके इन तीनों बुक्स को एक बार ज़रूर सुनना, इनकी समरीज को, सच में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये। और मैं तो चाहती हूँ कि यार आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँ, और अगर आप लोगों ने भी ये सुनी है और अच्छी आप लोगों को भी पता है जो सेल्फ हेल्प वाली बुक्स होती हैं जो आप लोगों को मोटिवेट करती हैं, इन्फॉर्मेशन देती हैं, आप लोगों को भी पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं भी उन्हें सुनूँ और आप लोगों को अच्छी अच्छी बुक्स और ज़्यादा रिकमेंड करूँ, ठीक है। एक ही चीज़ पर हम स्टिक नहीं रहेंगे कि भाई रोमांटिक स्टोरीज ही सुननी है या फिर हॉरर ही सुननी है, नहीं, मैं आप लोगों को जो भी बेस्ट होगा ना वो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, अच्छा सा करियर
बनाओ यार आप लोग, ठीक है, और खाली इन्हीं चीज़ों पर ना रहो, ये बस एक एंटरटेनमेंट के लिए है और आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए है, तो उसी तरीके से इनका इस्तेमाल करो, ठीक है। अब तो यार पकी पकाई खीर मिल रही है, नहीं तो पूरी पूरी बुक्स के ऐसे पन्ने पलटने पड़ते थे यार, ठीक है। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है, जितना सीख सकते हो सीखो और इन चीज़ों को देखो, अच्छे से सुनो, ठीक है। तो आई होप कि ये जो वीडियो थी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और ये जो बुक्स हैं ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके अपने ओपिनियंस के बारे में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को क्या लगता है और क्या नहीं लगता है। अगर आप लोग ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियोज़ को जो है फैलाओ, अपने दोस्तों को भी दिखाओ कि ऐसी ऐसी चीज़ें यार अच्छी, जितना ज़्यादा आप लोग अच्छा लोगों को गाइड करोगे उतना उनके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। तो यही आप लोगों को वीडियो को बहुत सारा शेयर करना है और लाइक करवाना है वीडियो को, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करवाना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ इस वीडियो को, तो आप लोगों के ऊपर है अच्छे से बस अच्छे अच्छे कमेंट्स करना और मुझे भी बहुत सारी एडवाइजेस देते रहना, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरे रिव्यू जो पसंद आया होगा, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी या फिर नॉवल उसके ऊपर मैं अपना रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।